अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम लोग जानते हैं कि रमज़ान शरीफ कितनी रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में जितनी इबादत हो पाए उतना कम है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहरी के वक्त में किया जाने वाला एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा, जिसको अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह तबारक व तआला आप लोग जो मांगेंगे वो पाएंगे। ये मेरा पूरा पूरा यकीन है इस वजीफे पर। ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा मुजर्रब और कामयाब है। इस वजीफे की अनगिनत शर्त इस वजीफे की बस एक ही है, इस अमल को तब आपका यकीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस अमल पे ये यकीन करें कि हम इस अमल से कामयाबी हासिल करेंगे। अगर आपके दिल में ये इरादा है तो आप जरूर इस वजीफे की बरकत से कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह तबारक वताला। तो प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है? इस वजीफे को करने का वक्त सहरी से फारिग होने के बाद फजर की नमाज अदा कर लेने के बाद में करना है। यानी कि पहले आप सहरी खा लीजिए, उसके बाद आप फजर की नमाज अदा कीजिए। फजर की नमाज अदा करने के बाद आप लोग जानमाज पे बैठे रहिए और वहीं पर बैठे बैठे आप इस वजीफे को शुरू कर दीजिए। आपको ये वजीफा करने के लिए सबसे पहले तीन मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप तीन मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। उसके बाद या जल जलाली वल इकराम, ध्यान से आप सुन लीजिए, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम। इस दुआ को 101 मरतबा यानी कि 101 टाइम पढ़े। उसके बाद आप तीन बार आखिर में दुरूद पाक पढ़िए, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। ये वजीफा पूरा यानी कि मुकम्मल होने के बाद आप लोग आजिजी होकर रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह तबारक व तआला से अपने नेक और जायज मकसद के लिए दुआ मांगिए। प्यारे दोस्तों, इस अमल की बरकत से जैसा की मैंने आपको बताया, इस वक्त में आप लोग जो भी दुआ मांगेंगे वो जरूर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होगी। अब आप लोग सोचते होंगे कि हम कितने दिन तक इस अमल को करें, तो हम आपको बता दें, आपको इस अमल को 11 रमजानों तक यानी कि रमजान के महीने में 11 दिन तक लगातार करना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जिस शख्स ने भी इस अमल को 11 दिन तक कर लिया वो जरूर इस अमल में कामयाबी हासिल करेगा। इस अमल की इतनी ज्यादा फजीलतें हैं, जो शख्स भी इस अमल को करेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो शख्स हर परेशानी हर मुसीबत से बचा रहेगा और इस अमल को करने वाले शख्स की हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारी से इंशाअल्लाह तबारक व तआला हिफाजत होगी। तो प्यारे दोस्तों, इस अमल को खुद भी कीजिए और दूसरों को भी बताइए। इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल जियत वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।